हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेचवान ब्लॉग्स। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो, जो कि नेटफ्लिक्स सीरीज का है बेताल। ये सीरीज एक्शन के ऊपर बेस है। आप हॉरर और थ्रिलर पर गहराई से ना जाए तो ठीक रहेगा। अगर आप एक्शन से भरपूर सीरीज या मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर आए हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियो। कुछ लोग कहेंगे इस सीरीज ने हमें हॉरर और थ्रिलर के नाम पे धोखा दिया है, तो मैं उन लोगों को साफ ये बता देना चाहूंगा कि आप ये चूतिए, माफ करना मुझे इधर उधर गलती से हो जाती है। तो मैं उन लोगों को ये बता देना चाहूंगा कि आप गूगल कर दीजिए तो उस पे साफ लिखा हुआ है जेनर्स पर एक्शन, तो काहे को हॉरर और थ्रिलर भाई। ये कहानी है एक गाँव की, जहाँ लोग बेताल जैसे शैतान की पूजा करते हैं। सरकार विकास के नाम पर उस जगह को चालाकी से हड़पना चाहता है। सीरीज के लीड रोल में है सिरोही, जो अपने काम से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, और बस स्क्वाड सीआईपीडी के कमांडर त्यागी के वफादार रहते हैं। इस काम के लिए सूर्या डेवलपमेंट कंपनी के कॉन्ट्रेक्टर मुंडलवन को काम देते हैं, जो अपने पैसे से मतलब रखती है और अपने बीवी और बेटी के साथ यहाँ रहने आई है। गाँव वाले सरकार के निर्णय से बिल्कुल इनकार है। इस सीरीज का टर्निंग प्वाइंट है गाँव में बनी पुरानी टनल। मुधलवन उस पुरानी टनल की सफाई करके उससे हाईवे निकलना चाहती है। आखिर ऐसा क्या है इस टनल के अंदर, जब लोग घुसते ही गायब हो जाते हैं और कई की तो मौत हो जाती है। लोग दंग रह जाते हैं जब उन पे हमला होता है। हमले करने वाले पुराने ब्रिटिश आर्मी के कपड़े में क्यों है, आखिर ये लोग है कौन, जानने के लिए आप सीरीज जरूर देखिए। जान बचा कर लोग गाँव की पुरानी हवेली की ओर चलते है, जहाँ एक एक की मौत होने लगती है। आखिर उन लोगों के साथ होता क्या है जब लोग भेरूपिया जैसे शैतान के रूप में बदलने लगते हैं? ऐसा क्या है इस सीरीज में मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं? ये भेरूपिया शैतान इस बच्ची के जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? इस बच्ची को मारना क्यों चाहती है? ऐसा क्या पता चलता है लोग आपस में झगड़े करने लगते है? ये लोग बच पाएंगे भी या नहीं, या शैतानों के हाथ मारा जाएगा, ये जानने के लिए ये सीरीज बड़ी मदद करती है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बिलो 18 इयर्स वाले लोग इसे ना देखिए, क्योंकि इसमें ब्रूटल एंड वायलेंट सीन्स वगैरह है। इस सीरीज के लीड रोल में सिरोही एंड त्यागी का एक्टिंग परफॉर्मेंस इतना खास नहीं रहा है, जो कि इस बार एक्टिंग परफॉर्मेंस में बाजी मार गई है इस लड़की ने। इस लड़की ने अपने रोल को बड़ी ही अच्छी तरीके से निभाया है और एक्टिंग परफॉर्मेंस में अपने नाम की छाप छोड़ गई है। ओवरऑल सीरीज देखते हुए मैं इस सीरीज की अच्छाई और बुराई पर थोड़ी सी हाईलाइट करना चाहूँगा, जो कि एक्टिंग परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड, सिनेमाटोग्राफी वॉज वेरी वेल एंड म्यूजिक वॉज वेरी गुड, जो कि म्यूजिक था गुजबम्स लाने वाली और बहुत ही थ्रिलिंग म्यूजिक थी। बुराई जो है, मेकअप वॉज क्वाइट वीक, स्टोरी वॉज प्रेडिक्टेबल एंड सीरीज इज क्वाइट लेंथी, जो कि इतनी सी स्टोरी को लंबा खींचता गया और ये सीरीज थोड़ी सी छोटी हो सकती थी। इन दाइन में ये आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप नेटफ्लिक्स में जाकर इसे देखिए। ये सीरीज इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि सबकी राय अलग होती है और मुझे ये सीरीज बहुत अच्छा लगा है। कुछ लोग तो इसे कलंक मूवी के साथ कंपेयर करने में लगे हुए, मैं उन लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि ओ भाई, कलंक मूवी जो है वो तत्ती है भाई, वो कहा और ये कहा। अगर आपको इतनी बुराई करनी है तो आप खुद कहानी लिख लीजिए और बना लीजिए ऐसी कोई फिल्म। पिछवाड़े से हवा नहीं निकला तो मेरा नाम भी नहीं। मैं किसी से ऑफेंस नहीं हूँ, बट सो सम लव यार, अभी लॉकडाउन चल रहा है तब भी हमें इंटरटेनमेंट का जरिया तो मिल रहा है कम से कम। एटलीस्ट उन लोगों ने ट्राई टू की है और हम इंटरटेन भी हो रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और आप लोगों को तो पता ही होता होगा अरुणाचल प्रदेश में कोविड-19 केसेस बढ़ता जा रहा है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सावधान रहें, स्टे होम स्टे सेफ एंड थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो पर।